शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये बताइए, ये जो कश्मीर प्रीमियर लीग का इनेकाद हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूंगा, कश्मीर प्रीमियर लीग होने जा रही है, बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को सीधा एक मिनट स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है पीओके में, जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है, वहां पर केपीएल कश्मीर प्रीमियर लीग होने वाली है और इसके ब्रांड एम्बेसडर है शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल मैन, बहुत दोगले, वही हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर। और शाहिद अफरीदी ने इस वीडियो में बात की है भारत पाकिस्तान की क्रिकेट मैचेस के बारे में और भारत पाकिस्तान को क्रिकेट मैचेस खेलना चाहिए, इस तरीके की इन्होंने बात की। और उन्होंने बोला है क्रिकेट को पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए, हालांकि इस तरीके के कॉन्ट्रोवर्शियल काम करने के बाद ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर वीडियो के बारे में करते हैं बात। आपसे जो कि शाहिद अफरीदी साहब ने आपको ज्वाइन किया हुआ है, वो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ऐसा कैसे मुमकिन था कि वो हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत ना करें? शाहिद अफरीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, लाला हमारे पाकिस्तान के जबरदस्त तरीन प्लेयर और पाकिस्तान के साबिक कप्तान रहे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये बताइए, ये जो कश्मीर प्रीमियर लीग का इनेकाद हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूंगा, कश्मीर प्रीमियर लीग होने जा रही है, बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है, खास तौर पे वहां के बच्चों के लिए, जिन्हें एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगी खेलने के लिए। नेशनल प्लेयर्स के साथ, बड़े नामों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे और वहां पे क्रिकेट का क्रेज बहुत ज्यादा है, तो ओवरऑल ये बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा पूरी मैनेजमेंट को और शहरयार अफरीदी साहब की एफर्ट को। प्रेसिडेंट साहब आए थे, उन्होंने काफी सपोर्ट किया इस चीज को, तो मेरे ख्याल में ओवरऑल इसको मैं फ्यूचर में एक देखना चाहता हूं कि फ्यूचर में एक ऐसा टैलेंट जहां पे क्रिकेट का और इवन के फुटबॉल का बहुत ज्यादा शौक है वहां पे बच्चों को, तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है। आई होप कि इससे बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। शाहिद साहब, ये बताइए कि इस लीग से कश्मीर के हवाले से आपके ख्याल में दुनिया में किस किस्म का पैगाम जाएगा, इंटरनेशनली लोग किस तरह से इसको देखेंगे? और ये भी बताइएगा कि लीग की आमद, मतलब लीग जब होगी, शुरुआत होगी, तो उसमें बाहर के इंटरनेशनल खिलाड़ियों की आमद का कितना इम्कान आपको लगता है? देखिए जी, इनिशिएटिव लिया गया है और मैं ये समझता हूं कि जब वहां पे स्टार्स जाएंगे, सेलिब्रिटीज जाएंगे, इस लीग को सपोर्ट करेंगे, खेलेंगे उन लड़कों के साथ, तो ओवरऑल बड़ा जबरदस्त, ग्लोबली बड़ा जबरदस्त मैसेज जाएगा वहां की तरफ से कि वहां के बच्चों को कितना शौक है क्रिकेट का, पुरमन लोग हैं, बड़े प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। तो मैं ये समझता हूं कि एक वक्त आएगा कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, बड़े नाम हैं, वो भी आके खेलेंगे। पहला साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम सबकी दुआ है, मेरी दुआ है खासतौर पर कि अल्लाह ताला इस पहला साल जो है केपीएल का वो कामयाब। अच्छा, ये भी बताएगा शायद भाई कि जो मकबूजा कश्मीर की जो तहरीक है और पाकिस्तानी हुकूमत उसके लिए जिस तरह काम कर रही है, तो ये क्रिकेट लीग उसके लिए किस तरह मददगार साबित होगी? देखिए, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि ये एक ग्लोबली बड़ा जबरदस्त मैसेज जाना है और सबको पता है, पूरी दुनिया इस चीज को मानती है कि जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है इस वक्त, वो जुल्म की इंतहा भी क्रॉस कर चुका है, तो ग्लोबली एक मैसेज लाजमी जाएगा और हमारी कोशिश है कि इस मैसेज को और फैलाया जाए, लोगों को बताया जाए, बल्कि जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आएंगे वो भी देखेंगे अपनी आंखों से ये सारी चीज कि वहां के लोग अमन पसंद लोग हैं, प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जितना कंट्रीब्यूट किया जा सके। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान और भारत के आपस के ताल्लुकात में भी क्रिकेट डिप्लोमेसी का बड़ा किरदार रहा है। अब जो हालात हैं, हम बात नहीं कर रहे, वो हमसे बात नहीं कर रहे, हमने तो फिर हमारे वजीर आजम ने ऑफर्स किए हैं मुख्तलिफ बैठने की, लेकिन वो नहीं मानते, जाहिर है उनका मकसद कुछ और है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन को कितना जो है ये इस किस्म की कोशिश जो है खासतौर पर कश्मीर प्रीमियर लीग उसमें बेहतरी ला सकती है? देखिए, मेरा जो बिलीव है एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ एथलीट, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिससे हमेशा रिलेशनशिप बेहतर पास्ट में भी रहे और अभी भी हो सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि हमेशा आपस के जो ताल्लुकात हैं, आपस में जो नेबर्स मुमालिक हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात, पाकिस्तान हमेशा से कोशिश करता रहा, पाकिस्तान हुकूमत, कि हमारे बेहतर से बेहतर हैं, होने चाहिए, और मैं भी इस चीज पे मेरा बिलीव है कि हमारे बेहतर होने चाहिए। स्पोर्ट्स एक वाइट ऐसा जरिया है जिससे हमेशा ताल्लुकात बेहतर। क्रिकेट को मैं क्यों कहता हूं कि इसलिए कि क्रिकेट
इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा आफ्टर मेरे ख्याल में रिलीजन है और हमारे मुल्क में भी क्रिकेट बहुत ज्यादा देखी जाती है, तो क्रिकेट के जरिए से जो सियासतदान मैं समझता हूं कि वो रोल अदा नहीं कर सकते जो क्रिकेट के जरिए या क्रिकेटर्स के जरिए आपस में ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, तो हमेशा मैं सपोर्ट करता हूं, इस चीज को एंडोर्स करता हूं कि स्पोर्ट्स में खासतौर पर क्रिकेट कभी भी जो है वो सियासत की नजर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा शाहिद भाई, एक वक्त था कि लग रहा था कि आप सियासत में आने वाले हैं, लेकिन अब आप जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है, आपकी फाउंडेशन भी चल रही है, तो वो जो सियासत में आने का इरादा था क्या वो आपने तर्क कर दिया या अभी है इरादा? देखिए, मेरा पहले भी सियासत में कोई ऐसा रुझान बिल्कुल नहीं था। हाँ, फॉलो करता हूँ, चीजों को देखता हूँ, मेरा अपना पाकिस्तान है तो इसमें जो भी चीजें हो रही होती हैं शौक होता है इंटरेस्ट लेने का, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमेशा सोचने की आदत रखी है मैंने, और कोई शौक नहीं है अभी फिलहाल, ना कोई मैंने इस तरफ फोकस हूँ। मेरा फाउंडेशन है, मैं समझता हूँ कि फाउंडेशन के थ्रू आप बहुत खिदमत कर सकते हैं लोगों की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरे लिए जो मेरी सेकंड इनिंग है, जो फाउंडेशन है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फाइनली शाहिद साहब, पाकिस्तानी कौम को और नौजवानों को क्या पैगाम देंगे, ये जो अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रिएट हुई है, जाहिर है इस्तेफादा हासिल करेंगे, पैगाम क्या देंगे आप उनको फाइनली? बिल्कुल जी, जिस तरह कश्मीर को वहां के लोगों को हम सपोर्ट करते रहे हैं हमेशा, मेरी रिक्वेस्ट पूरे पाकिस्तानी कौम से है कि इस लीग को भी उसी तरह ही सपोर्ट करें। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि एज ए एम्बेसडर इस लीग को मैं ऑन कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और लोग एंजॉय करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो होता है खत्म, आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के इस कंट्रोवर्शियल क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के बारे में। ये इतना बड़ा दोगला है, ट्विटर पर हमेशा क्रिकेट को पॉलिटिक्स से जोड़ता रहेगा। क्रिकेट को पॉलिटिक्स से जोड़ने का मतलब ये है कि हमेशा कश्मीर की बातें करेगा, इंडिया में जो मुस्लिम है उनके बारे में बात करेगा, ये फालतू की बातों में इसका दिमाग हमेशा लगा रहेगा दोस्तों। और फिर यहाँ पर कहता है कि भारत पाकिस्तान को क्रिकेट मैचेस खेलना चाहिए, क्रिकेट को पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए। और कुछ दिनों पहले तक इसने बोला था कि आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, और उसके कुछ दिन पहले 2019 में एआरवाई न्यूज़ में एक इसने बयान दिया था, बोला था कि पाकिस्तानी को आईपीएल में नहीं खेलना चाहिए, मुझे कितने भी पैसे दिए जाए तो मैं आईपीएल जैसी घटिया लीग में नहीं खेलूंगा। मतलब बिन पैंदी का लूटा, इसका कभी भी आप विश्वास ना करें, ये मतलब दोगले दोगले हैं केवल और कुछ नहीं। अब यहाँ पर ये कश्मीर प्रीमियर लीग को आप करा रहे हो, है ना, क्रिकेट को पॉलिटिक्स से जोड़ रहा है। कश्मीर आपको पता है कितना बड़ा कंट्रोवर्शियल और पॉलिटिकल इशू है, हमारा तो पूरा है, आप तो इसमें पड़े भी ना, और क्या कहते हैं, अगर हम मतलब भारत इसमें कोई भी किसी भी तरह की ऐसी लीग कराए, मतलब बलूचिस्तान प्रीमियर लीग या सिंध प्रीमियर लीग या पख्तूनख्वा प्रीमियर लीग, और फिर उसका ब्रांड एम्बेसडर है, उसके कप्तान या कोचेस इंडियन क्रिकेटर बने, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब आप समझ रहे हैं मैं किस तरीके की बात करना चाह रहा हूँ। तो ये पाकिस्तान के वही दोगले हैं। ऐसा ही कुछ शोएब अख्तर है, शोएब अख्तर भी अपने ट्वीट्स में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इसी तरीके का दोगलापन दिखाता है। पाकिस्तानी मीडिया में बैठता है तो कुछ और बातें करता है, और अपने यूट्यूब चैनल में इंडियन व्यूअर्स इंडियन सब्सक्राइबर के लिए कुछ और बात करता है, और इंडियन मीडिया में या स्टार स्पोर्ट में काम करता है तो कुछ और बातें करता है। मतलब वो बड़ा वाला दोगला है, जितना बड़ा शरीर है उतना बड़ा दोगला है, तो समझ सकते हैं आप ये दो बहुत बड़े दोगले। हालांकि बशीम अकरम और जो दूसरे रवीज राजा हैं ये उतने तो नहीं हैं, ये कभी भी पॉलिटिक्स की बातें नहीं करते हैं क्रिकेट को लेकर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।